हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर डे इन माय लाइफ। तो दिन की बज रहे हैं अभी 2। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी सो के मैं क्यों उठ रही हूँ, क्योंकि रात भर पढ़ रही थी एंड उसके बाद मतलब सुबह में उठी थी, फिर खाना वगैरह खा के 1 घंटे के लिए दोबारा से सो गई एंड थोड़ी सी सर दुख रही थी। तो ऑनेस्टली मेरे को ना बिल्कुल उठने का मन नहीं था, ऐसा तो लग रहा था कि अभी 2-3 घंटे और सो जाऊँ मैं। लेकिन देन मतलब दिमाग में आया कि अभी अगर सो गई फिर आज के दिन की प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी एंड कोई पॉइंट नहीं रहेगा रात भर जग के पढ़ने का। सो मैंने सोचा चलो चाय बना लूँ ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस फील लो एंड पढ़ाई में कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड आई हैव समथिंग टू शो यू गाइस, जो मैं आगे दिखाऊँगी आपको एंड इट्स क्वाइट स्पेशल फॉर मी, जो काफ़ी दिनों से मैं लेने की सोच रही थी एंड फाइनली मैं ले लिया। चलो आगे बताती हूँ, तब तक के लिए आप सब बताओ आप कैसे हो एंड आई होप कि लाइफ अच्छे से चल रही है एंड आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसको एंजॉय कर रहे हो, दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो तब तक मेरी चाय बन गई थी एंड बीच में मैं सो गई थी फिर से 10 मिनट के लिए, मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रही है आज पता नहीं क्यों। लेकिन हम सो नहीं सकते क्योंकि हमको दिन के 3 बजे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये मेरी टाइम फिक्स है कि 3 बजे से पहले तक सारे काम ख़त्म एंड उसके बाद पढ़ाई करनी है और जितना देर तक हो पाए रात की। एंड ये मेरी रही जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी दिखाने वाली, ये कुर्सी जो मैंने मंगवाई है अभी सेल में, क्योंकि मैं बोल रही थी ना मेरी पुराने वाली चेयर टूट गई ड्यू टू मतलब थोड़ी सी वो वाईफाई की काम चल रही थी तो भैया आए थे उसको ठीक करने के लिए एंड एक्सीडेंटली उन्होंने थोड़ी सी इम्बैलेंस होके पैर रख दिया तो टूट गई नीचे से। एंड अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको लेके मैं ठीक करा के लाऊं। एंड जब मैंने उनको पूछा था जहाँ से मैंने दूसरी वाली चेयर ली थी तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होता, आप अभी लेके आओगे 5-6 दिन लगेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि चलो सेल में प्राइस भी कम हुई थी एंड इसको मैं अभी अगर गाड़ी बुक करके लेके जाती ठीक करवाने के लिए इससे तो ज़्यादा ही खर्चा आता, तो मैंने सोचा छोड़ो उसको इग्नोर करो और मैंने इसको मंगवा लिया। एंड वैसे भी थोड़ी सी बैक पेन हो रही थी तो मेरे को कंफर्टेबल वाली चेयर चाहिए थी एंड इट्स प्रिटी गुड, सो आई एम हैप्पी विथ इट एंड आई होप कि मतलब आपको भी अच्छा लगा होगा मतलब लुक वाइज। तो मैं अभी रिवाइज कर रही थी GS3 एंड उसको ख़त्म करके मैं गई थी बाहर, क्योंकि ड्रेस मेरे को सिलवानी थी एक सूट एंड नेक्स्ट वीक मैं घर जा रही हूँ तो उससे पहले मेरे को ये बनवानी थी तो मैं लेके गई थी। एंड उसके बाद जब मैं वापस आई मेरी एक राइट आंसर राइटिंग सेशन थी वरुण सर की, लेकिन तभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी तो जब तक सर थोड़ी सी प्रीवियस सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब तक मैंने अपने लिए ईपी बना लिया एंड उसको खा भी ली, मतलब मैंने अकेले नहीं खाई हम दोनों ने खाई थी। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी बना के उसके साथ ही सर की सेशन अटेंड की एंड बीच बीच में सर हमको टाइमर लगा के आंसर लिखने को देते हैं ताकि थोड़ी सी राइटिंग स्पीड भी बढ़ पाए एंड उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे साथ ही शेयर करते हैं ताकि अगर कुछ भी दिमाग में ना हो थोड़ी सी आइडिया आ जाए एंड आप कुछ तो लिख पाओ आंसर में। एंड ऑनेस्टली अभी तो मतलब GS4 ख़त्म हो गई है, GS3 ख़त्म होने को है एंड इट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है शेयर की ये, खासकर ये लाइव आंसर राइटिंग वाले सेशन। एटलीस्ट अभी हम अच्छा खासा आंसर लिख पा रहे हैं एंड विद इन द टाइम लिमिट, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। दो अभी तक भी हम जो एग्जैक्ट टाइम लिमिट एग्ज़ाम में मिलेगा उस तक नहीं आए हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। और मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट भी दिया था GS4 का और इस हफ्ते मतलब अक्टूबर में ही GS3 का भी फुल लेंथ टेस्ट है एंड सेक्शनल टेस्ट है। तो राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है एंड कंटेंट काफ़ी फास्ट है तो थोड़ी सी मेमोराइजिंग में दिक्कत हो रही है एंड ये तो होगी ही, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें थे जो पहली बार मैं ढंग से पढ़ रही थी, मतलब इससे पहले जहाँ से पढ़ी थी काफ़ी बेकार थी। सो या आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया था MMP+ प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। ऑनेस्टली अभी मैंने जुलाई से सेशन स्टार्ट किया था MMP का एंड ये अक्टूबर हो गया है, इसमें मेरी GS4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, GS3 मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड हमारी कुछ आंसर राइटिंग की सेशन बची हुई है और अक्टूबर 10 से शायद GS2 भी हमारी शुरू हो जाएगी। अभी तक की अगर मैं जर्नी बताऊं तो GS3 का काफ़ी सही था, GS4 भी काफ़ी बढ़िया था और GS3 को लेके काफ़ी लोगों का डाउट था कि हाँ सिविन सर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं कैसे
पढ़ाते होंगे, तो अगर उनकी मटेरियल आपने देखी है एंड इस साल की GS3 की क्वेश्चन देखी है तो आपको भी आइडिया आ जाएगी कि हाँ वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं एंड काफ़ी क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में वो समझाते हैं, तो चीज़ें आप एटलीस्ट आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। हाँ अदरवाइज सब बोल रहे हैं कि मटेरियल बल्कि है, तो मटेरियल बल्कि होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्कोर भी तो करना है अच्छे से ना, तो हाँ थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी तो, एंड प्राइस भी अफोर्डेबल लगा मेरे को, सो मैं तो काफ़ी हैप्पी हूँ। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ओपिनियन, सो या आप उनकी कुछ भी डेमो वगैरह क्लास देख सकते हैं ज्वाइन करने से पहले, रादर देन कि मैं क्या बोल रही हूँ उस ओपिनियन पे आप जाएं। सो काफ़ी बातें हो गई हैं एंड अभी ना मैं सोशियोलॉजी के एक लेक्चर कर रही थी एंड पता नहीं क्यों अचानक से मेरे को भूख लगा, डिनर मैंने किया था थोड़ी सी लेकिन भूख लगी तो मैंने सोचा चलो बिस्किट या फिर लेस या फिर चिप्स ये नहीं खाऊंगी एंड ये चने मैं कब से ला के रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसको ही खा लिया जाए। चने थोड़े से खाने के बाद मेरे मुंह दर्द करने लगते हैं एंड इसके बाद मेरा भूख चली जाती है पूरी तरह से। सो अगेन अनदर थिंग कि पिछले वीडियो में मुझको आप लोगों ने पूछा था कि मैं पेन कौन सी यूज़ कर रही हूँ, ऑनेस्टली अभी तो मैं इतने सारे पेन्स यहाँ पे ला के रखी हूँ कि मैं सारे पेन्स ही अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना है मेन्स से पहले कि मैं कौन सी पेन को अच्छे से यूज़ कर पाऊँ एग्ज़ाम में। तो अभी तो ये जो चार मैंने अलग करके रखा है ये मेरे रेगुलर यूज़ वाले पेन हैं एंड इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, जिसमें से एक B5 है एंड दो बॉल पेन है, एक दो राइटोमीटर है एंड दूसरे का नाम मेरे को नहीं पता लेकिन देख के आपको पता चल गया होगा। और ये जो स्काई कलर वाली पेन है ये काफ़ी अच्छी है लेकिन पानी अगर गिर गया तो हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए इसको आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छी है। तो आप जितने भी पेन्स अभी अवेलेबल है उसको लाके ट्राई करिए ताकि आप किस में कंफर्टेबल है आपको पता चल पाए मेंस से पहले। काफ़ी लोग बॉल पेन में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं लेकिन मेरी हाथ पेन करती है इसलिए मैं ये फ्लूइड पेन या फिर इंक पेन जिसको बोलते हैं मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ एंड V5 इसीलिए यूज़ करती हूँ मैं क्योंकि अगर पानी वगैरह गिर जाए ना वो स्मज नहीं होता, तो एग्ज़ाम के लिए सेफ रहता है कि अगर पानी वगैरह गिर गए एग्जामिनर के हाथ से नोट्स को सॉरी कॉपी वैल्यूएट करते हुए तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए V5 में यूज़ कर रही थी स्टेट पीसेस मेंस में। लेकिन अभी वो थोड़ी सी ना जल्दी ख़त्म हो जाती है उसकी इंक वगैरह, सो या इतने सारे पेन्स में अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो मेरी पढ़ाई आज के लिए ख़त्म हो गई थी एंड अभी 3:30 बज रहे थे रात की एंड आज के दिन के स्कोर काफ़ी ख़राब रहे, मतलब 8 घंटा भी नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी एंड सीधा मेरी आँख खुली 9:30 बजे क्योंकि वो कूड़ा वाले भैया आए थे कूड़ा लेने के लिए, तो मैं उठ गई थी एंड उठ के मैं बाहर आ गई उस क्रूएल को देने के लिए खाना थोड़ी सी, क्योंकि वो आगे पर वरना घर के अंदर वो घुस जाती है जाता है या फिर जाती है वो तो मेरे को नहीं पता, अंदर आ जाता है तो इसीलिए मैं उसको उठते ही दे देती हूँ कि तू भाई बाहर से खा के चला जा। एंड उसके बाद ये रही मेरे सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम सुबह की कि पौधों को थोड़ी सी पानी दे दिया जाए, काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप थी ना आज ये काफ़ी ज़्यादा मुरझा गए थे जब तक मैं सो के उठी तो इसीलिए मैंने दे दिया। लेकिन मेरी ये स्नेक प्लांट सबसे अच्छी है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मेरे को जब मैंने ख़रीदा था तो भैया ने बताया था कि ये इतने में ही रह जाएगा, इतनी बड़ी गमला काफ़ी है, लेकिन देखो अभी मेरे को लग रहा है इसके लिए भी नया गमला लेना पड़ेगा। सो या आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एंड आई होप कि मैं रेगुलरली ब्लॉग भी अभी अपलोड कर पाऊँ, बट देखते हैं मैं कुछ बोल नहीं सकती पढ़ाई मतलब ये रूटीन जब ख़राब होती है ना तो सारी चीज़ें बिगड़ के रह जाती हैं, बट यस आई होप कि अच्छे से मैं आगे ब्लॉग वगैरह अपलोड कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।